This is what you've been waiting for. Someone boy! December 1965 इंदौर में पैदा हुए एक बच्चे ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसी मुंबई में बॉलीवुड पे वो रूल करेगा। और अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान नाम से पैदा हुआ बच्चा सलमान खान नाम से पूरे देश में जाना जाएगा। Three things no one knows about you. I'm a great guy, great guy. सलमान खान के पापा सलीम खान के ग्रैंडफादर अनवर खान आला कोजाई पास्तून ट्राइब के मेंबर हुआ करते थे, जो मिड 1800s में अफगानिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए। यहाँ उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एज अ कैवलरी सर्व किया। इट इज सेड दैट एजुकेशन वाज द प्राइम रीजन फॉर इमिग्रेशन। हम लोग वहाँ के हैं, अफगानिस्तान के हैं, छठवीं पीढ़ी आई थी, इंटेंशन यहाँ आने का बहुत ही अच्छा। दे वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम देयर टू अ सिविलाइज्ड प्लेस। और हिंदुस्तान के किस्से सुनते थे कि वहाँ स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कोर्ट हैं, वहाँ फैसले होते हैं। उसके बाद सलीम खान के फादर अब्दुल रशीद के टाइम तक वो लोग इंदौर में शिफ्ट हो गए। और वहीं इंदौर में अब्दुल रशीद इंडियन इंपीरियल पुलिस में DIG थे। अब्दुल रशीद के घर 1935 में उनके सबसे छोटे बेटे सलीम अब्दुल रशीद खान पैदा हुए। सलीम बहुत ही वेल टू डू फैमिली में पैदा हुए, लेकिन वो जब 14 साल के हुए तब तक उन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था। After the death of my mother, my father became very close to me. उसके बाद उनको पूरा सपोर्ट अपने बड़े भाई से मिला। सलीम खान पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, स्पेशली क्रिकेट में काफी अच्छे थे। वो एक ट्रेन पायलट थे और उन्हें 1958 में प्राइवेट पायलट लाइसेंस भी मिल गया था। फ्लाइंग की 100 आवर्स फ्लाइंग की मैंने, उसमें फोर्स लैंडिंग भी की। लेकिन जब वो कॉलेज में थे तो उनके फ्रेंड्स ने उन्हें काफी बार ये मेंशन किया कि उन्हें अपने अच्छे लुक्स का फायदा उठा के मूवीज में ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद डायरेक्टर के अमरनाथ ने उन्हें स्पॉट किया और सलीम खान के लुक से इम्प्रेस होके उन्हें अपनी आने वाली मूवी बारात में सपोर्टिंग रोल ऑफर किया, जिस वजह से सलीम खान मुंबई आकर शिफ्ट हुए। मगर चोट खाने के बाद अब गेंद तो क्या, गेंद का साया भी यहाँ तक नहीं आएगा। उनका करियर स्टार्ट होने से पहले इन 1958 सलीम खान हैड हिज फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट विद सुशीला चराग। और सलीम खान एंड सुशीला ने डेट करना स्टार्ट कर दिया। उनको फिल्म से कुछ फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी 1964 में उन्होंने सुशीला चराग, नाउ नोन एज सलमा खान, से शादी कर ली। उनकी एक्टिंग की ऑनगोइंग जर्नी के बीच में ही उन्हें 4 बच्चे हुए, लेकिन फिर 25 मूवी के बाद उन्हें समझ में आया कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बने हैं। और तब उन्होंने अपना करियर पिवट करके राइटिंग को अपना लिया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सलीम खान और सलमा खान का पहला बेटा 1965 में पैदा हुआ, जिन्हें आज हम सलमान खान नाम से जानते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि अनलाइक सलीम खान, सलमान खान को बड़े होते हुए बॉलीवुड का काफी एक्सपोजर मिल चुका था। सलमान ऐसा किड जितना अपने पेरेंट्स से क्लोज थे, उतना ही उनके पेरेंट्स को उन्हें संभालने में बहुत मुश्किलें होती थी, बिकॉज ही वॉज अ डिफिकल्ट चाइल्ड टू हैंडल। सलमान खान ने अपनी स्कूलिंग सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल बांद्रा से की, जहां उनकी किसी शरारत की वजह से उन्हें 4th ग्रेड में ही निकाल के दूसरे स्कूल में रेकमेंड किया गया था। बट देन उनके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से उन्हें वापस ले लिया गया। सलमान अपने स्कूल डेज में स्विमिंग चैंपियन भी थे। स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, बट देन ही ड्रॉप्ड आउट। उसके बाद उन्होंने डेजी इरानीस एक्टिंग इंस्टीट्यूट, नाउ नोन एज एक्टर्स आर्ट, से ग्रेजुएशन करके अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हीरो होंडा, डबल बुल शर्ट जैसी ब्रांड के लिए मॉडलिंग की। और अगर सलमान खान का नाम आए और उनके हाथ के ब्रेसलेट की चर्चा ना हो तो ये कभी हो सकता है क्या? सलमान वेयर्स अ फिरोजा स्टोन ब्रेसलेट, जो उन्हें उनके फादर सलीम खान ने गिफ्ट किया। उनका मानना है कि इससे उनके आसपास कोई भी इविल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आती तुमने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? पहले चाय पी लो, फिर डांस करते रहना। बॉलीवुड में अपना डेब्यू सलमान ने 1988 में रिलीज हुई मूवी बीवी हो तो ऐसी में सपोर्टिंग रोल से किया। तो याद रखो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, ही बतावे की जरूरत नहीं है देवर जी। 1988 में ही सलमान की पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा स्पार्क आया, जब वो एक पार्टी में संगीता बिजलानी से मिले। संगीता ने उसी साल आदित्य पंचोली के ऑपोजिट अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। उस पार्टी के बाद सलमान और संगीता डेट करने लगे। ए, बहुत उचका, अब और नाटक किए ना तो मां से कह दूंगा। 1989 में सूरत बरजातिया ने सलमान को
मैंने प्यार किया में लवर बॉय प्रेम का लीड रोल दिया। मूवी काफी बड़ी हिट रही और इंग्लिश, स्पेनिश और तेलुगु में भी डब हुई। इन द मीन टाइम सलमान ने आए मिलन की रात मूवी भी साइन की हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने प्यार किया हिट हुई, सलमान लेफ्ट द अदर मूवी। इट इज ऑल्सो सेड दैट कि सलमान राइटर बनना चाहते थे और राइटिंग में अपना हाथ आजमाने के लिए उन्होंने 1990 में बागी अ रेवल फॉर लव की स्टोरी दी और इस मूवी में उन्होंने नगमा को लॉन्च किया। इसके बाद 1991 में आई उनकी तीनों मूवीज पत्थर के फूल, जो सलीम खान ने लिखी थी, सनम बेवफा और कुर्बान कंटिन्यूस हिट रही। इसी साल अनीस बाजमी ने सलमान को एक आंख मिचोली टाइटल मूवी भी ऑफर की, जिसमें सलमान खान का डबल रोल होने वाला था, लेकिन वो मूवी कभी बन नहीं पाई। सलीम खान ने पत्थर के फूल के बाद सलमान के लिए कोई भी मूवीज कभी नहीं लिखी, जिस पे उनका ये कहना है कि अगर मूवी हिट हुई तो सलमान की होगी और अगर फ्लॉप हुई तो सलीम की मूवी फ्लॉप होगी, एंड दैट्स टू रिस्की। तो एक बहुत बड़ी रिस्क है कि हिट हो गई तो उनकी है, फ्लॉप हो गई तो डैडी की थी। 1992 में सलमान ने कंटिन्यूसली 4 मूवीज फ्लॉप दी। हम सूर्यवंशी गुरु की हत्या नहीं करते। 1992 में प्रोड्यूसर सुदीप सेठी ने सलमान को विनोद खन्ना के साथ एक मूवी के लिए अप्रोच किया था, जिसे महेश भट्ट डायरेक्ट करने वाले थे, बट ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन महेश भट्ट एंड सलीम खान, ही टर्न दैट मूवी डाउन। सलमान खान की शादी कब होगी? क्या होता है सब? ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए दो आदमी चाहिए। 1993 में सलमान ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी की तरफ इशारा करते हुए ये बताया था, he surely planning to get married maybe to संगीता और someone else। उसके एक साल बाद सलमान ने संगीता के साथ अपनी शादी की डेट फिक्स कर दी, which was 27 May 1994। Finally, 1992 के फ्लॉप्स के बाद सलमान ने 1994 में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना के साथ कमबैक करना चाहा। ये तो चिल्लर है। चिल्लर? हाँ, अरे पूरे 8,535 रुपए 29 पैसे हैं। बट वो मूवी भी फ्लॉप हो गई। अंदाज अपना अपना के टाइम पे सलमान और आमिर दोनों एक दूसरे से ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहते थे, पर एंड में सेम स्क्रीन टाइम पे उन्होंने मूवी साइन की थी। हेलो, कहाँ चली जा रही हैं आप? लेटर 1994 सूरत बजातिया ने उन्हें वो हिट दी जिसका उन्हें इंतजार था, लवर बॉय प्रेम इन हम आपके है कौन, जिस मूवी ने काफी सारे अवार्ड जीते और सलमान ने बहुत सारे फैंस। हम आपके है कौन, वो ऑन स्क्रीन भले ही लवर बॉय प्रेम प्ले करने वाले थे, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो अब संगीता के लवर नहीं रहे, क्योंकि संगीता ने जोर शोर से चल रही शादी की प्रिपरेशन के बीच ही सलमान से अपनी शादी तोड़ ली, जिसपे संगीता ने बोला था कि सलमान खान वॉज नॉट वर्थ मैरिंग, विच सलमान अग्री टू एंड सेड संगीता कॉट हिम चीटिंग ऑन हर विद सौम्य अली। संगीता इज द कार्ड्स ऑन हर प्रिंटेड या व्हाई डिड शी कैच यू दिस व्हाट डिड शी कैच यू और फिर सलमान ने ओपनली सौम्य अली को डेट करना स्टार्ट कर दिया। सौम्य अली के साथ सलमान खान मूवी बुलंद कर रहे थे, लेकिन मूवी के प्रोड्यूसर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम की वजह से बुलंद मूवी 50% शूट होते ही बंद हो गई। वो साल था जब राकेश रोशन ने हमें ऑल टाइम क्लासिक मूवी करण अर्जुन दी। करण अर्जुन का रोल प्ले करने वाले शाहरुख खान और सलमान खान का भाईचारा स्क्रीन पे कितना उभर के आया, लेकिन वो दोनों इस मूवी के फर्स्ट चॉइस नहीं थे। इंस्टेड राकेश रोशन अजय देवगन और सनी देओल को लेके कयानत नाम से इस मूवी को बनाना चाहते थे। अजय देवगन के एग्जिट के बाद जब मूवी ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी, दैट्स व्हेन सलमान एंटर्ड करण अर्जुन, जो डिसीजन उनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ और सलमान खान को करण अर्जुन के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला। ऐसा नहीं हो सकता। उनकी अगली फिल्म 1996 में संजय लीला भंसाली की डायरेक्टर डेब्यू खामोशी द म्यूजिकल थी। फिल्म को काफी अवार्ड्स मिले और बहुत सारा प्यार भी। जो हम चीजें पढ़ते हैं अखबारों में आपके बारे में, उसमें से कितने परसेंट सही होता है? कुछ नहीं।
सलमान को ऑडियंस से भले ही कितना प्यार मिला हो और उन्हें लवर बॉय का टैग मिला हो, लेकिन अपने यंग डेज से ही सलमान को मीडिया और इंटरव्यूज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें उनके सवाल कभी भी पसंद नहीं आते थे और इसी वजह से उनके मीडिया इंटरेक्शंस काफी रूड रहते थे। This is an interview, man. Thank you so much. 1996 में अनीस बाजमी ने अपनी 1991 वाली मूवी आँख मिचोली फिर से रिस्टार्ट करनी चाही, लेकिन सलमान की जुड़वा ऑलरेडी 1997 में रिलीज होने वाली थी और उसी वजह से सलमान ने आँख मिचोली को सेम कॉन्सेप्ट के चक्कर में मना कर दिया। 1988 में सलमान की प्यार किया तो डरना क्या और जब प्यार किसी से होता है रिलीज हुई और उसके साथ ही उन्होंने करण जौहर के टाइटल डेब्यू कुछ कुछ होता है में एक्सटेंडेड कैमियो भी किया था। उसी साल उन्होंने हम साथ साथ है का शूट स्टार्ट कर दिया था। मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? हाँ नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार? सलमान खान का फेम, सलमान खान की लाइफ, सलमान खान की दोस्ती और सलमान खान का करियर सब उस टाइम तक काफी स्मूथ चल रहा था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि धीरे धीरे बॉलीवुड के साथ साथ कॉन्ट्रोवर्सीज के भी वो किंग बोले जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स नॉट गुड कॉन्ट्रोवर्सीज। और उन कॉन्ट्रोवर्सीज की शुरुआत हुई हम साथ साथ है के शूट पे। आज की एक बड़ी खबर आपको बता दे, काले हिरन मामले में सलमान खान का क्या होगा? जो September 16, 1998 जोधपुर बवाड में एलिजिबली एक दिन जब सलमान खान अपने को स्टार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू के साथ कानकी विलेज में ड्राइव कर रहे थे तब उन्हें ब्लैक बक्स का हर्ड दिखा एंड इट इज सेड दैट ही शॉट टू ऑफ देम। सलमान खान पर वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 के तहत मामला चलेगा, उन पर दो काले हिरन को मारने का आरोप है। लेटर ऑन September 28 फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान को एक और चिंकारा का शिकार करने के लिए एक्यूज किया गया। दिस इंसिडेंट हैपेंड एट घोड़ा फार्म्स। बिश्नोई ट्राइब के लिए चिंकारास रिलीजियस होते हैं और इसी वजह से लोगों को इस न्यूज पे काफी गुस्सा आया और 2 अक्टूबर को सलमान और उनके को स्टार्स के खिलाफ कंप्लेन फाइल की गई। अक्टूबर 12 सलमान को इस केस में अरेस्ट किया गया, लेकिन वो ज्यादा देर वहीं पे रहे नहीं एंड ही वॉज ग्रांटेड बेल। इस मामले में सलमान खान की सजा सस्पेंड हो चुकी है और सलमान खान को बेल हो गई है। लोगों ने फील किया कि सलमान ड्रामेटिक सीन्स में थोड़ा लैग कर गए। वहीं उनके पर्सनल लाइफ में ब्लैक बक केस के बाद उनका सोमी अली से ब्रेकअप हो गया था। सोमी अली के साथ ब्रेकअप का रीजन भी वही था जिस वजह से उनका अपनी पहली गर्लफ्रेंड संगीता से ब्रेकअप हुआ था, चीटिंग। सलमान ने सोमी अली को चीट किया एंड एज वी ऑल नो हम दिल दे चुके सनम के टाइम उनका अफेयर ऐश्वर्य राय के साथ स्टार्ट हो गया था। तो आई मीन इट्स ऑब्वियस कि सोमी अली को सलमान ने ऐश्वर्य राय के साथ चीट किया और दूसरे पल में मान जाना। हम दिल दे चुके सनम से स्टार्ट हुआ सलमान ऐश्वर्या का रिश्ता जो काफी प्यारा चल रहा था। सलमान ऐश्वर्या का रिश्ता 2 साल चला, लेकिन जितनी खबर उनके खुश रिश्ते की नहीं फैली उससे ज्यादा शोर उनके रिश्ते के टूटने पे सुनाई दी। सलमान वॉज वेरी मच इन लव विद द एक्ट्रेस और वो हम दिल दे चुके सनम की सक्सेस के बाद जल्दी से जल्दी ऐश्वर्या से शादी भी करना चाहते थे। ऐश्वर्या को शादी के प्रपोजल से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कुछ भी रश नहीं करना चाहती थी। ऐश्वर्या के करियर की ये तो बस शुरुआत थी और उन्हें काफी अच्छे ऑफर्स भी मिल रहे थे। वो रिश्ते को कमिटमेंट देने से पहले थोड़ा और काम करना चाहती थी, बट दिस मेड सलमान अ बिट फ्रस्ट्रेटेड एंड इनसिक्योर इन द रिलेशनशिप। इसके बाद मीडिया में न्यूज आने लगे कि सलमान ऐश्वर्या को फिजिकली अब्यूज करते थे। 2000 फिल्मफेयर अवार्ड में जब ऐश्वर्या हम दिल दे चुके सनम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेने स्टेज पे गई तो वो बहुत ही नॉर्मली ड्रेस थी, उनकी आंखों पे ग्लासेस थे और कहा जाता है कि उनका आर्म भी उस टाइम फ्रैक्चर था। ऐश्वर्या के इस स्टेज अपीयरेंस से उनके रिश्ते पे और ज्यादा सवाल उठने लगे और सबने मान लिया कि सलमान उनको फिजिकली अब्यूज करते हैं। बट ऐश्वर्या सेड इट्स ऑल अ लाई, उन्होंने बताया कि वो स्टेज से गिर गई। I slipped. I actually passed out and I fell down the stairs outside my house and that's exactly what happened. लेकिन 2001 में जब सलमान ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ तो ऐश्वर्या ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। उन्होंने सलमान से रिश्ते तोड़ने की वजह बताई कि सलमान ने ऐश्वर्या के फादर से लड़ाई की और उनके पेरेंट्स से काफी बदतमीजी भी की।
Even Salman physically abused her without leaving any mark behind. Aishwarya ने बताया कि ब्रेकअप के बाद भी सलमान उन्हें ड्रंक कॉल्स करके बेकार बेकार बातें करते थे, उन्हें वो परेशान करते थे। जब ऐश्वर्या उनके कॉल्स नहीं लेती थी तो वो खुद को हार्म भी कर लेते थे। वो इतने गुस्से में थे कि उन्हें लगता था कि मेरे हर को स्टार के साथ अफेयर चल रहा है। 2001 में उनका रिलेशनशिप खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ी न्यूज लोगों के सामने आई वो थी सलमान का आधी रात में ऐश्वर्या के घर जाके उनके दरवाजे पे कंटिन्यूसली नॉक करना। सलमान वॉज ड्रंक एंड ही कंटिन्यूसली नॉक्ड ऑन द डोर फॉर 2 hours। सलमान ने ऐश्वर्या से दरवाजा खुलवाने के लिए बिल्डिंग से कूद जाने की धमकी भी दी और उसके बाद ऐश्वर्या ने कुछ देर के लिए गेट खोला था। सलमान लेफ्ट हर हाउस रिपोर्टेडली एट 3 AM। ये सब ऐश्वर्या ने जब बताया या जब मीडिया इस न्यूज को कवर कर रही थी तब सलमान ने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। सलमान को वैसे भी इंटरव्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसके बाद जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें उन्होंने अपनी तरफ की बात भी बताई। Have you ever raised your hand against a woman? उनकी तरफ की कहानी और ये बैड बॉय की जर्नी हम नेक्स्ट पार्ट में पूरी करेंगे। तब तक अपने थॉट्स, अपने रिसर्च जो तुम लोग भी करते हो वो कमेंट्स में लिख के वेल हमारा एंगेजमेंट जरूर बढ़ाना। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और तुम्हारा क्या ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में वेल वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वेल अगर तुम चैनल पे नए हो और इसका पार्ट 2 चाहते हो तो वेल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमें हमारे सोशल हैंडल्स में भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए ओके बाय। ड्राइव करूं पीके दारू फुटपाथ पे चढ़ा मारूं, एक्टिंग की बात मारी सिंगिंग की भी मैं मारूं। ड्राइव करूं पीके दारू फुटपाथ पे चढ़ा मारूं, एक्टिंग की बात मारी सिंगिंग की भी मैं मारूं।